पुरानी पेंशन को लेकर पिछले कई सालों से राज्य और केंद्रीय कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से कई बार वार्ता विफल होने के बाद कई बार आंदोलन किया गया, फिर भी सरकार इस तरफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है। पुरानी पेंशन को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें 5 से 7 लाख कर्मचारियों ने आंदोलन किया था। इस आंदोलन का असर सरकार पर नहीं पड़ा। अब बड़े आंदोलन का मन अब राज्य और केंद्रीय कर्मचारी बना रहे हैं। कई राज्यों और जिलों में कर्मचारी संगठन बैठक करेंगे और नई रणनीति बनाकर आंदोलन करेंगे। आगे की रणनीति बहुत जोर शोर से बन रही है। एक तो रणनीति ये है कि जो सरकार आगे वाले आगामी चुनाव हो रहे हैं उनमें सरकार को मालूम पड़ जाएगा कर्मचारियों की रणनीति क्या रहे और क्या उसका असर दिखेगा। ये तो सरकार को मालूम पड़ेगा। कर्मचारी एकजुट हैं और उन्होंने ठान लिए कि सरकार पुरानी पेंशन नहीं देती है, तो अब की बार उनको दिखा देंगे चुनाव में कि कर्मचारी भी सरकार गिरा सकते हैं, कर्मचारी भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं। अभी आपने बताई थी कि अभी टीचर्स की धरना प्रदर्शन हुआ था लखनऊ में, उनके महानिदेशक की ये गलत रवैया से अभी उनके जो पदाधिकारी हैं उनके स्कूल में जाके निरीक्षण कराया जा रहा है, औचक जांच कराई जा रही है, उनकी एब्सेंट प्रेजेंट लगाई जा रही है। बड़े आंदोलन को लेकर 24 अक्टूबर को आगरा में फार्मासिस्ट एसोसिएशन एक बड़े लेवल पर बैठक करने जा रही है, जिसमें पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही हाल में ही टीचर्स एसोसिएशन द्वारा लखनऊ में किए गए आंदोलन में पुलिस द्वारा की गई बर्बरता को लेकर भी बात की जाएगी। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।